तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आर्के टेक्निकल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा आप किस प्रकार से किसी भी अदर फ़ोन को दोस्तों एक्सेस कर सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, कई बार आप किसी पे नज़र रखना चाहते हैं या फिर उसके डिवाइस को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे उसका क्या मैसेजेस कर रहा है, किससे कितनी चैट कर रहा है, उसके कैमरे को एक्सेस करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती है दोस्तों जिस पर आप नज़र रखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों वही बताऊँगा कि किस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप उस चीज़ को दोस्तों अपने एंड्रॉइड डिवाइस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों पेरेंटल वीडियो, क्योंकि दोस्तों कई लोग अपने बच्चे में बच्चे को देखना चाहते हैं क्या डिवाइस वो यूज़ कर रहे हैं, कितना कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। तो ये एक सेफ पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है, तो इसको दोस्तों आप मिस यूज़ बिल्कुल ना करें। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दिया है इस एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन को दोस्तों आपको कर लेना है अपने ब्राउजर से डाउनलोड। कुछ इस प्रकार से दोस्तों डाउनलोड होने के बाद इस एप्लीकेशन को मैं कर देता हूँ डिवाइस में इंस्टॉल। इंस्टॉल दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है, देन दोस्तों एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर से एक ऑप्शन आएगा ईमेल और पासवर्ड डालने का। ईमेल और पासवर्ड आप कहाँ से डालेंगे दोस्तों, आपको पहले से कोई भी गूगल ब्राउजर में ओपन करके इसका अकाउंट बना लेना है दोस्तों। आप सिंपली से क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कोई भी अपना जीमेल लेकर यहाँ पर एक अकाउंट इसका बना लेना है। जी हाँ दोस्तों, मॉनी मास्टर इस एप्लीकेशन का लिंक है। इसको दोस्तों आपको सिंपली से कुछ इस प्रकार से जीमेल अकाउंट क्रिएट करके आपको एक अकाउंट बना लेना है। अकाउंट का पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। देन दोस्तों एप्लीकेशन में अब आपको पूछा जाएगा चाइल्ड नेम और चाइल्ड की एज। जी हाँ दोस्तों, आपको 18 और चाइल्ड का नेम कुछ भी डाल देना। देन अगेन दोस्तों यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जितनी भी परमिशन ये एप्लीकेशन आपसे मांगती है वो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से वन बाय वन करके इसको प्रोवाइड करा देनी है। देन दोस्तों गूगल पे प्रोटेक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इसको दोस्तों सिंपली से आपको ऑफ करने के लिए बोला जाएगा, तो इसको आपको सिंपली से ऑफ कर देना है, जिससे दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके डिवाइस में सक्सेसफुली वर्क कर पाए। जी हाँ दोस्तों, ये काम आपको टारगेट फोन में करना है, जिस भी फोन को दोस्तों आप एक्सेस करना चाहते हैं उस फोन में दोस्तों कुछ समय के लिए आप मांग सकते हैं। देन दोस्तों ये सब काम आप उस फोन में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको एक और परमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर दोस्तों सिंपली से आपको क्लिक करके परमिशन दे देनी है। जैन दोस्तों वो नोटिस करके आपको आइकॉन देखने को मिल जाएगा, उस नोटिस आइकॉन को दोस्तों आपको सिंपली से रिमूव कर देना है। इतना काम कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब आपका काम आता है आपके सेकेंडरी डिवाइस में। जी हाँ दोस्तों, सेकेंडरी डिवाइस आपको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों मॉनी मास्टर का अगेन मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप चले आएंगे। देन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों मॉनी मास्टर फॉर एंड्रॉइड। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड ओल्डर इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, आपने जितने भी जो अकाउंट से वहाँ पर लॉगिन कर रखा है उसका दोस्तों जितने भी फ़ोन कॉल्स है, कैमरा है, स्क्रीनशॉट है, वो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं दोस्तों। आपको देखने को मिल जाएगा रिमोट कंट्रोल वाले ऑप्शन पे मैसेजेस, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, जितने भी दोस्तों आप कंट्रोल करना चाहते हैं वो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल डेमो के रूप में यहाँ पर दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट का। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट पे मैं सिंपली से कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर से दोस्तों मैं उस डिवाइस का स्क्रीनशॉट अपने डिवाइस में देख सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर से देखिए हाउ टू यूज़ स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना। स्टार्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये देखिए उसके डिवाइस का दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से उसके कैमरे से लेके फोटोज से लेके हर चीज़ को दोस्तों बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों अगर आप मैसेजेस का देखना चाहते हो तो मैसेजेस के लिए भी दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आपको सिंपली से थ्री डॉट पे अगेन क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एक मैसेजेस का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, मैसेजेस पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से पूरी तरीके से आपको मैसेजेस की हिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगी इस एप्लीकेशन में। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसको पीसी या फिर एंड्रॉइड कोई भी डिवाइस में दोस्तों बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों आपको मिस यूज़ नहीं करना है, जो आपको काम करना है उसी के लिए आप करिए दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों वीडियो, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।